श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस लगातार सबूतों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। हाल में पुलिस ने आफताब के परिवार वालों से भी संपर्क किया और बकायदा उनके बयान भी दर्ज किए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आफताब के तीन दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के तीन दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद वसई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दो लड़कियां और एक लड़के को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब दो घंटे तक उनसे पूछताछ की। ये तीनों ही आफताब के खास दोस्त थे। तीनों दोस्तों से करीब दो तीन घंटों तक पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस ने आफताब के स्वभाव और टेम्परामेंट के बारे में जाना। साथ ही पुलिस ने जाना कि आफताब का श्रद्धा के साथ बर्ताव कैसा था, क्या उन्हें इससे पहले भी दोनों के बीच झगड़े के बारे में जानकारी थी, क्या कभी आफताब ने अपनी प्लानिंग के बारे में उन्हें कुछ बताया था। वहीं मीडिया से खास बातचीत में श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने श्रद्धा और आफताब के रिलेशन को लेकर कई खुलासे किए हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक दोस्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि आफताब गुस्सैल था और खुद को एक राजा की तरह मानता था। नाम न छापने की शर्त पर उसने कहा कि आफताब को आक्रामकता की समस्या थी। वो बेहद घमंडी था, किसी भी बात को लेकर हमेशा एग्रेसिव रहता था। बहरहाल आपको बता दें, इस समय आरोपी आफताब का परिवार भी दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज कर लिया है। इससे पहले श्रद्धा ने मुंबई में साल 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि आफताब उसे मारना चाहता है। ये बात उसके परिवार को भी पता है। उस वक्त दर्ज ये शिकायत दिल्ली पुलिस के लिए आफताब के खिलाफ एक अहम सबूत साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।